हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में कोई एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि आप 50% वाटर चेंज कर सकते हो या 100% वाटर चेंज कर सकते हो। आप ज़्यादा गंदा है तो पानी आप 100% वाटर चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना जल्दी नहीं है। 3 मंथ या 4 मंथ, 6 मंथ ऐसे होगा तो आप 100% चेंज कर सकते हो। और ज़्यादा गंदा नहीं है पानी तो आप 50% चेंज कर सकते हो। और आप लोग बोल रहे थे कि कोई लिक्विड वगैरह या केमिकल कुछ यूज करने के लिए आप नहीं करोगे तो अच्छा है। फिश के लिए केमिकल यूज करना भी ठीक नहीं है, करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं करोगे तो अच्छा है। और आप केमिकल कुछ भी लिक्विड यूज नहीं करोगे तो वाकरम को नमक से वाश करना, उसके बाद आप लोग जब भी पानी डालते हो, नया पानी देते हो वाकरम में, आप नमक डाल के थोड़ा सा वो पानी दीजिए। पानी देने के बाद थोड़ा सा नमक डालिए तो वो पानी उनको वो अच्छे से लिक्विड जैसा काम करता है। और कुछ भी फिश का कुछ भी नहीं होता है, अच्छा होता है फिश के लिए। लिक्विड देने से नमक अच्छा होता है। हम लोग जब भी पानी चेंज करते हैं या अगर हम वाश करते हैं, नमक से वाश करते हैं और पानी में नमक देते हैं। लिक्विड कुछ, हम लोग 2 ईयर हो गया है लिक्विड कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो फीस कैसे है। तो आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो मैं फिर से और एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप नहीं किए हैं तो। फिर से और एक वीडियो में